एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कविता वर्मा, असिस्टेंट टीचर ऑफ मिस्टर लाल अरकन्या इंटर कॉलेज टांडा अम्बेडकर नगर। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होगी उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अपने ज्ञान के प्रकाश से छात्रों के भविष्य को उज्ज्वलित करने वाले, राष्ट्र निर्माण में सराहनीय योगदान देने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा सादर नमस्कार। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सबसे पहले शिक्षिका उसकी माँ होती है, बल्कि माँ कहना भी वह अपनी माँ से ही सीखता है। हम जिससे भी जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारा गुरु ही होता है, फिर चाहे वह हमसे छोटा हो या बड़ा। गुरु तो गुरु ही होता है, इसमें सबसे अहम भूमिका हमारी माँ की होती है। माँ के पास भले ही कोई डिग्री ना हो, फिर भी वह हमें जीवन के हर मूल्यों को सिखाती है। लेकिन आज का ये दिन किसी विशेष व्यक्ति को समर्पित है, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुथिरी नामक गाँव में हुआ था और इनका परिवार बहुत ही गरीब था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई इतने अच्छे तरीके से की कि ये आगे चलकर भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति होने के साथ साथ ही ये एक महान एवं कुशल शिक्षक भी थे। और इन्हीं के सम्मान में हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में सभी विद्यालयों में सेलिब्रेट किया जाता है और यह सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह दिन उनके लिए बहुत ही निराला होता है। व्यक्ति है जो हमें संसार रूपी चौराहे पर हमारा सही मार्गदर्शन करता है और इसके साथ ही वह धन, पुरस्कार, प्रेम व स्नेह सभी यंत्रों का प्रयोग करके हमारे जीवन को निखारता है। एक शिक्षक के बिना हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा का असली ज्ञान तो शिक्षक ही देता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाने के साथ साथ सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और शिक्षा के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। मैं भी एक शिक्षिका हूँ और आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी छात्रों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा आप उन सभी ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिन्हें आप छूना चाहते हैं। आप अपने एवं अपने माता पिता के उन सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें आप करना। दोस्तों, हर गुरुजन का और हर माता पिता का यह सपना होता है कि उनका शिष्य, उनका बेटा बड़ा होकर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या फिर ऑफिसर बने। लेकिन यह तभी संभव है जब आप शिक्षा को अपना दोस्त बनाएंगे। इसी के साथ हम कुछ और पंक्तियां आपसे कहना चाहते हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। पढ़ाई मुश्किल जरूर लगती है पर इसका फल बहुत ही मीठा होता है। इसका स्वाद तो वही बताएगा जिसने इसे चखा होगा। दोस्तों, जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन यदि शिक्षा को हमने अपना प्यारा सा दोस्त बना लिया तो वह कभी हमें उदास नहीं होने देगी। इसी के साथ मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देती हूँ और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सादर प्रणाम करती हूँ। नमस्कार।